निमाड़ क्षेत्र में गणगौर पर्व को लेकर सुबह से ही लोगों में खुशी का वातावरण देखा गया। गणगौर का पर्व भीकनगांव नगर में बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे निमाड़ में गणगौर पर्व अपनी एक अलग ही छवि रखता है। सर्वप्रथम बाड़ियों में प्रतिदिन पूजन होता है। सुबह से ही बाड़ी खुलते से दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन लग जाती है। महिलाओं द्वारा मनोती वाले घरों पर जाकर झालरिया देकर गीत गाए जाते हैं। बड़े चौराहे पर रथों को लेकर धनिया राजा व रनुबाई को मक्का की धानी व भुने चने की प्रसादी तमोल बांटी जाती है। इस वर्ष बड़ा चौराहा सार्वजनिक समिति द्वारा रथ बोड़ाए गए। रथों को बड़े चौराहे से स्कूल ग्राउंड में ले जाया गया। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी रथ को सर पर लेकर धनिया राजा माता रनुबाई का आशीर्वाद दिया। बड़े चौराहा समिति द्वारा 268 रथों के स्वागत में आतिशबाजी और बैंड डीजे के साथ नाचते गाते माता का स्वागत किया। भीकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे निमाड़ के लिए बहुत गर्व की बात है कि निमाड़ की जनता बहुत ही आस्था और आदर के साथ गणगौर माता के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाने का कार्य करते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे निमाड़ में जो आज भीकनगांव की जनता का जो जनसैलाब सड़कों पर उमड़ कर आया है, माता की अगवानी से लेकर तो माता की विदाई तक जो सड़कों पे जो हुजूम दिखाई दे रहा है, ये सब आस्था का एक प्रतीक है। और माँ गौरा और भोलेनाथ की कृपा हमारे क्षेत्र की जनता पर बनी रहे। और निमाड़ का जो गौरव हम कह सकते हैं, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे इस क्षेत्र का एक एक जन, एक एक व्यक्ति, एक एक माताएं बहनें हमारे इस पर्व को मनाने का काम कर रहे हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसी आज तक आपकी कृपा हमारे क्षेत्र की जनता पर बनी है, वैसी ही आने वाले समय में भी आपकी कृपा हमारे क्षेत्र की जनता पर बनी रहे। सभी के आंगन में, सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि खुशहाली बनी रहे। और हमारे इस त्यौहार के माध्यम से माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से भी इस निमाड़ के गौरव, इस ऐतिहासिक क्षण को उनकी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई है। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद दे, संबल दे, शक्ति दे कि हम हमारी सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से हमारी क्षेत्र की जनता की सेवा कर सके। और सरकार की जो जनकल्याणकारी योजना है, वो जनकल्याणकारी योजनाओं का जन जन को लाभ पहुँचे और एक एक घर तक सरकार की योजना का लाभ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता लाभ दिलाने के लिए माँ आशीर्वाद दे, हमको शक्ति दे। और हम सब लोग ऐसे ऐतिहासिक पर्वों को सब लोग मिलकर मनाएं, यही माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आपने आज यहाँ पर आके माता जी का पूजन किया है, आपने गणगौर माता को भी अपने घर पर रखा है, क्या मन्नत मांगी आपने इस बार? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।